मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का कहर बढ़ता ही जा रहा है। सिर्फ महाराष्ट्र में ही 41 मामले सामने आए हैं। अब तक कोरोना वायरस से 3 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं जिस तरह से ये बात सामने आ रही थी कि मुंबई की लोकल ट्रेन और बस सेवा बंद की जा रही है और सरकारी दफ्तर में 7 दिनों के लिए छुट्टी दी जा रही है, मगर मंगलवार को महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट बैठक ली गई। इसके बाद सीएम उद्धव ठाकरे ने बताया कि हमने लोकल ट्रेन बस बंद करने का निर्णय नहीं लिया है, ये जरूरी सेवाएं हैं, जारी रहेंगी। इतना जरूर कहा कि जरूरत हो तो ही यात्रा करें। सरकारी दफ्तर की छुट्टी पर कहा कि हमने सरकारी दफ्तर में 1 हफ्ते की छुट्टी नहीं दी है। महेश, ये अफवाह है। यानी जिस तरह से सोशल मीडिया में मुंबई में लोकल ट्रेन बस बंद होने के मैसेज वायरल हो रहे थे, वो पूरी तरह से गलत साबित हुए हैं। इसके अलावा धार्मिक स्थल भी खुले रहेंगे, मगर मुख्यमंत्री ने अपील की है कि महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है और लोग पुणे के दुकानदारों की तरह आवश्यक दुकानों को छोड़कर अपनी दुकानें बंद रखें। राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळाची बैठक नुकतीच झालेली आहे आणि या बैठकीमध्ये एकूणच राज्यामध्ये कोरोनाच्या संबंधित जी परिस्थिती आहे त्या परिस्थितीवरती चर्चा करण्यात आलेली आहे। एकूणच मी पुन्हा महाराष्ट्रातील जनतेला आवाहन करतो आहे, मुंबईतील जनतेला सुद्धा आवाहन करतो आहे की परिस्थिती तिचा जर का विचार केला तर आज राज्यामध्ये एकूण 40 पॉझिटिव्ह रुग्ण आपल्या राज्यात आहेत। दुर्दैवाने त्यापैकी एका रुग्णाचा आज सकाळी मृत्यू झालेला आहे। अन्यथा जर का बघितले तर या रुग्णांमध्ये एकूण 26 पुरुष आणि 14 महिला आहेत। त्याच्यापैकी असं काही नाही की सगळ्यांची तब्येत काय वाईट आहे अशातला प्रकार नाही। एका रुग्णामध्ये जरा अशी परिस्थिती गंभीर आहे, पण अन्यथा बाकी सगळे जे रुग्ण आहेत त्यांची प्रकृती ही स्थिर आहे। मी आज पुन्हा आवाहन करतो आहे की आज देखील आम्ही बस किंवा ट्रेन बंद करण्याचा निर्णय घेतलेला नाही, पण आवाहन माझं हेच आहे की अनावश्यक प्रवास हा सर्वांनी टाळला पाहिजे। गरज नसेल तर घराबाहेर पडू नका आणि गर्दी जर का ओसरली नाही तर नाईलाजाने मग आम्हाला काही कठोर पावलं उचलावी लागतील, पण ती कठोर पावलं उचलण्याची आमची इच्छा नाही आहे। जनतेने सहकार्य करावं ही आमची प्रामाणिक एक विनंती आहे आणि मला खात्री आहे की जनतेला या विषयाचं गांभीर्य कळतं आहे, कळलेलं आहे। जसं पुण्यामध्ये काही जणांनी स्वतःहून दुकानं बंद केलेली आहेत, मी मुंबईसह इतर सुद्धा शहरातल्या सर्व दुकानदारांना सुद्धा विनंती करतो आहे की जीवनावश्यक वस्तूंची दुकानं किंवा ज्या जी काही ठिकाणं ती सोडून ज्याची रोजच्या रोज आवश्यकता लागत नाही दुकानं जर का त्यांनी स्वतःहून बंद ठेवली तर बरं होईल। मुंबईमध्ये जी एक बातमी फिरते की सरकारी कर्मचाऱ्यांना किंवा सरकारी ऑफिसेस यांना 1 आठवड्याची सुट्टी अशी आठवड्याची सुट्टी दिलेली नाही, मात्र उपस्थितीबद्दल आम्ही विचार करतो आहोत की 50-50% ही उपस्थिती आणून कामकाज चालू ठेवता येईल का तोही विचार करतो आहे। म्हणजे एकूणच गर्दी कमी करण्याच्या दृष्टीने सरकार म्हणून आम्ही काय पावलं टाकू शकतो ती पावलं जरूर टाकतो आहोत, पण पुन्हा एकदा सांगतो की हा पुढचा जो काही 15-20 दिवसाचा कालखंड आहे तो आपल्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचा आहे। महाराष्ट्र में जहां एक तरफ कोरोना वायरस से हड़कंप मचा हुआ है, हाहाकार मचा हुआ है, वहीं स्कूल, कॉलेज, सिनेमाघर, मॉल सब बंद है। यहां तक कि फिल्म सीरियल की शूटिंग भी पूरी तरह से बंद है। प्रहार टाइम्स की संवाददाता फिरदौस ने क्या जानकारी दी है। हाय गाइस, मैं हूं खान फिरदौस और आप मुझे देख रहे हैं मुंबई प्रहार पर। जी हां, मैं आई हूं गोरेगांव के फिल्म सिटी एरिया में, जहां लोगों का अंदर आना जाना बंद कर दिया गया। आप सभी जानते होंगे कोरोना वायरस की वजह से मुंबई के स्कूल्स, कहीं मॉल भी बंद कर दिए गए और फिलहाल हाल ही में अभी गोरेगांव फिल्म सिटी में भी लोगों का आना जाना बंद कर दिया। तो आइए जानते हैं लोगों का इस पर क्या रिएक्शन है। हम, मेरा नाम दीपमाला है, हम बनारस से आए हैं। हम देखने आए थे कि यहाँ की शूटिंग्स ऐसे होते हैं और अगर मैं भी शायद मुझे कोई एक्टर मिल जाता है, एक्ट्रेस मिल जाती तो उसके साथ सेल्फी ले लेते। नहीं नहीं, हमको बस से ही वापस कर दिया गया है। बोला गया है कि कोरोना वायरस की वजह से सब बंद किया गया है, कोरोना वायरस की वजह से सारा बंद कर दिया गया है। लोगों को परेशानी हो गई, जो इतनी दूर से आया है, इतना पैसा खर्च करके आया और अपना समय भी बर्बाद करके आया, तो उनको परेशानी तो होगा, हम लोग को खुद पर। और कितने, अब हम लोग को जाना था 20 को, अब हम लोग जा रहे हैं आज ही रात को, आज ही रात को हम लोग का भी समय वेस्ट हो रहा है। तो है तो नुकसान तो है ही,
बहुत ज़्यादा नुकसान है और अंदर से भी थोड़ा लगता है, बुरा फील होता है कि हम लोग आए और हम लोग जो जा रहे थे वो नहीं देख पाए। बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, जिस तरह से हम यहाँ का जिंदगी देख रहे हैं, लाइफ स्टाइल इन लोगों का देख रहे हैं, अगर इन लोग को एक दिन के लिए भी रोक दिया जाएगा तो हमको, मैं भी लगता है कि ऑटो वाले चाहे वो वाले सभी को, पर सब्जी वाले, हम उन लोग को सबको देख कर हमको लग रहा है कि ये लोग का जिंदगी तो एकदम बेकार हो जाएगा, एक दिन में इन लोग को फर्क पड़ने वाला है। मैसेज तो यही देंगे कि पहले तो ये केकड़ा और ये जानवर खाना बंद कर दे ये लोग, बस शुद्ध शाकाहारी बनेंगे, जीवन स्वस्थ रहेगा। महाराष्ट्र में जिस तरह से कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है, कोरोना से बचने के लिए लोगों को जागरूक होना बेहद ही जरूरी है और ज़रूरत हो तो ही घरों से बाहर निकले, क्योंकि जानकारी ही बचाव है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।